तो गूगल एड से व्यूज लेने से पहले, सब्सक्राइबर्स लेने से पहले, विजिटर्स लेने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं गूगल एड्स कैसे काम करते हैं, और दूसरी चीज कि गूगल एड्स होता क्या है। सबसे पहले चीज ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इस पर अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ देने वाले हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है कि ये चीज काम कैसे करती है, ताकि हम इसका सही तरीके से यूज कर सकें। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ गूगल एड्स क्या होता है, और दूसरी चीज़ गूगल एड्स कैसे काम करता है, बिहाइंड द मतलब चीज़ें बैकएंड में कैसे काम करती है, ये सब चीज़ आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होने वाली है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सको और अपना जितना टाइम पैसा दे रहे हो समझ सको कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है और ये चीज़ करके क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि गूगल एड्स होता क्या है। अगर यहाँ पर हम गूगल एड्स इन्हीं की डेफिनेशन में समझे, तो गूगल एड्स एक ऐसा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप लोग लोगों तक पहुँच सकते हो, अपनी चीज़ प्रमोट कर सकते हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी सर्विस हो, उसको प्रमोट कर सकते हो। इन रिटर्न आपको डेफिनेटली कुछ मिलने वाला है। वो सबसे पहले जो गूगल एड्स आपको कमिटमेंट देता है वो है ऑडियंस, या फिर बोल सकते हैं एक ट्रैफिक बोल सकते हैं। लोग आपकी चीज़ पर पहुंचेंगे, चाहे आप अपनी वेबसाइट प्रमोट कर रहे हो, चाहे अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप अपना कोई एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हो। आप अलग अलग चीज़ें प्रमोट कर सकते हो, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल के बारे में, या फिर यूट्यूब एड्स के बारे में खासकर। तो यूट्यूब एड्स के बारे में आगे जाके धीरे धीरे बातें करेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट प्रमोट करना चाहते हो तो वो भी इससे कर सकते हो, गूगल एड्स से कर सकते हो। तो ये चीज़ है गूगल एड्स। अगर मैं अपने सिंपल तरीके से बताऊं तो गूगल एड्स गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, जिसको आप यूज़ कर सकते हो चीज़ें प्रमोट करने के लिए। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 500 रुपीज़ आपको ऐड करने पड़ेंगे, उससे ऊपर आप कितना भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप ये चूज़ कर सकते हो कि मुझे किसको ऐड दिखाना है, मतलब मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, इस एज को दिखाना है, उस एज को दिखाना है, और कौन सी जगह पर दिखाना है। लोकेशन वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हो, इंटरेस्ट बेस्ड भी कर सकते हो कि जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है मुझे सिर्फ उन्हीं को दिखाना है, जो ये चीज़ सर्च कर रहे हैं नहीं मुझे सिर्फ उन्हीं को दिखाना है, ऐसी टाइप की चीज़ें भी कर सकते हो। मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं गूगल एड्स के अंदर, अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का। तो ये है अपना गूगल एड्स, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, गूगल एड्स कैसे काम करता है। अब गूगल एड्स काम कैसे करता है इसको मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। एक साइड रखो एडवर्टाइजर है और दूसरी साइड रखो एक पब्लिशर है। एडवर्टाइजर क्या होता है? एडवर्टाइजर वो होता है जिसको एड रन करने, एड रन करने वाले की जगह हम लोग लेते हैं फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी, ई कॉमर्स साइट है, उसको एड रन करने क्योंकि उनकी सेल आ रही है। दूसरी साइड कौन है? दूसरी साइड मैं हूँ, एक पब्लिशर हूँ, क्योंकि मैं अपना कंटेंट डालता हूँ, मेरे पे एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे ऑडियंस है, जहाँ पर मेरे पास वो मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट को क्या करना है? अपनी सेल प्रमोट करनी है। मुझको क्या करना है? मुझे पैसे अर्न करने, क्योंकि मेरे पास अपनी ऑडियंस है, मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस, दो तीन लाख लोगों की ऑडियंस है, और मुझको इससे थोड़ी अर्निंग भी करनी है साथ ही साथ, काम के साथ साथ, वीडियो डालने के साथ साथ। फ्लिपकार्ट एक एडवर्टाइजर है, फ्लिपकार्ट किया गूगल एड्स पर उसने कैंपेन रन किया, पूरा सब कुछ किया, और टारगेट किया ऐसे लोगों को जो यूट्यूब वीडियोज देखते हैं, या फिर जो टेक में इंटरेस्टेड है, ऐसे टाइप की वीडियो देखते हैं जो मेरी ऑडियंस है। अब गूगल एड्स क्या करेगा? गूगल एड्स के अंदर यूट्यूब भी गूगल एड्स का पार्ट है, यूट्यूब भी गूगल का ही है, तो यूट्यूब पर भी एड रन हो रहे हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पर मेरे चैनल पर एड रन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं एक पब्लिशर हूँ, और जो सेटिंग, जो चीज़ें उसने सेलेक्ट करी है, एक एडवर्टाइजर ने सेलेक्ट करी है, फ्लिपकार्ट ने सेलेक्ट करी है अपने एड कैंपेन बनाते वक्त, वो मेरे चैनल पर लागू होती है, तो मेरे चैनल पर भी एड रन करेंगे। और वो कैसे करेंगे? क्योंकि मैं पार्ट हूँ गूगल एडसेंस का। गूगल एड्स है जो वो है एडवर्टाइजर्स के लिए, और गूगल एडसेंस है जो वो है पब्लिशर्स के लिए। अब क्योंकि मैं गूगल एडसेंस का पार्ट हूँ तो मुझे अर्निंग होने वाली है। यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का कैंपेन है, फ्लिपकार्ट जितने रुपए लगा रहे हैं, और अगर उसके ऐड मेरे वेबसाइट पे, मेरी यूट्यूब वीडियो पर रन होते हैं, तो मुझे उसका पैसा मिलेगा। कुछ परसेंट यूट्यूब का गूगल काट लेगा, यूट्यूब काट लेगा, और बाकी का कुछ परसेंट मुझे मिलेगा। तो ये ऐसे काम करता है, एडवर्टाइजर एक तरफ है और ये पब्लिशर एक तरफ है। अब इसके पीछे भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको कोर्स के दौरान पता लगेगी। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए अभी समझना ज़रूरी है, वो है हमारा कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का एक टूल है जिसको यूज़ कर सकता है कोई भी एडवर्टाइजर। किसके लिए? उसको आइडिया हो जाएगा कि मैं इस कीवर्ड को अगर टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे कितना ट्रैफिक मिलने वाला है, लगभग कितने लोग इसको सर्च करते हैं, और साथ ही साथ मुझे इसमें कितने रुपए लग सकते हैं, मतलब एक व्यू का मुझे कितना लग सकता है, या फिर एक क्लिक का मुझे कितना देना पड़ सकता है। वो इसके बारे में आगे ज़्यादा समझेंगे कोर्स में। अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मेक मनी ऑनलाइन, कोई बंदा है जिसको इस पर टारगेट करना है, मेक मनी ऑनलाइन जो सर्च कर रहा है उन लोगों को टारगेट करना है, उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है, तो उसके पास इतनी एवरेज ऑडियंस मिल सकती है, उसे 1,65,000 लोग सर्च करते हैं, ये एक एवरेज है, इसको एग्जैक्ट मत समझना। और कंपटीशन की बात करें, हाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजर इस पर फोकस कर रहे हैं, इस कीवर्ड को डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये लो रेंज की बात करें, बिड है यहाँ पर 12.56 रुपये, और हाईएस्ट की बात करें 254 रुपीज़ पर व्यू या फिर पर क्लिक का लग सकता है उसका। ये अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं है, ये ऊपर नीचे सिर्फ या आइडिया लेने के लिए,
क्योंकि फ्री टूल है तो हो सकता है काफी हद तक अच्छे से काम नहीं करती है चीज़ें। तो ये अपना गूगल एड्स है जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल, चाहे वो आपकी वेबसाइट, चाहे वो आपका एप्लीकेशन या कुछ और। और दूसरी चीज़, गूगल एड्स कैसे काम करते हैं, एक साइड एडवर्टाइजर, एक साइड पब्लिशर, और साथ ही साथ कुछ टूल है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको इस कोर्स के दौरान आगे पता लगेंगी। तो ये थी हमारा पहला एपिसोड इस कोर्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे फिर, तब तक ले टाटा।